हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं, इसमें हम अभी तक आर्टिकल 300 तक हम इसमें आर्टिकल्स जो है, जितने भी पार्ट्स है आर्टिकल्स है, उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 13। 13 पार्ट जो है उसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 13 में आया है आपका ट्रेड, कॉमर्स एंड द इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आपका पार्ट 13 जो है इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछली जो हमारी वीडियोज है वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपने अभी तक हमारी हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इस पर और ज्यादा मेहनत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 301 की। 301 में है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, व्यापार करने की जो फ्रीडम है वो बताई गई है आपकी आर्टिकल 301 में। इसमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड द इंटरकोर्स ये बताया गया है आर्टिकल 301 में। आर्टिकल 302 में है पावर ऑफ अ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड, कॉमर्स एंड द इंटरकोर्स। ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स पर इंपोज करने का, रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार जो है पार्लियामेंट का, वो बताया गया है आर्टिकल 302 में। आर्टिकल 302 के तहत पार्लियामेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स पर। ये आपका बताया गया है आर्टिकल 302 में। आर्टिकल 303 की बात करें तो इसमें आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट विद रिगार्ड टू द ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स के रिगार्ड में, ट्रेड एंड कॉमर्स के रिस्पेक्ट में लेजिस्लेटिव पावर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है स्टेट्स और यूनियन के। ये आपका आर्टिकल 303 में बताया गया है। अब 304 की बात करें तो 304 में है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग स्टेट्स। स्टेट्स के बीच में जो ट्रेड और कॉमर्स व्यापार होते हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है आर्टिकल 304 के तहत। तो उस पर आर्टिकल 304 में बताया गया है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड द इंटरकोर्स अमंग स्टेट्स में, ये बताया गया है आर्टिकल 304 में। आर्टिकल 305 में है सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड लॉज प्रोवाइडिंग फॉर द स्टेट मोनोपोलीज, ये आपका बताया गया है 305 में। 306 में जो आर्टिकल था उसे रिपेल कर दिया गया है। 307 की बात करें तो इसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर कैरिंग ऑफ द पर्पज ऑफ आर्टिकल 301 टू 304। आर्टिकल 307 में बताया गया है 301 से लेकर 304 तक जो आर्टिकल्स है उनमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए एक अथॉरिटी की जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो आपकी 307 आर्टिकल के तहत बताया गया है। आगे बात करें, ये था आपका थ्री आर्टिकल, ये आपका पार्ट 13 में ये बताया गया है। पार्ट 14 की बात करें तो पार्ट 14 में है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, स्टेट और यूनियन के अंडर जो सर्विसेज होती है उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो है सर्विस, सर्विसेज में है आपका आर्टिकल 308, 308 में है इंटरप्रिटेशन, 309 में बताया गया है रिक्रूटमेंट्स एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ अ पर्सन सर्विंग द स्टेट एंड द यूनियन। तो इसमें बताया गया है रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ अ पर्सन सर्विंग फॉर द यूनियन एंड द स्टेट। 310 में बताया गया है टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ अ पर्सन सर्विंग फॉर द यूनियन और स्टेट, यूनियन और स्टेट के लिए जो जो कैंडिडेट सर्व कर रहा होगा, जो पर्सन सर्विंग सर्व कर रहा होगा उसका जो टेन्योर होगा ऑफिस का वो बताया गया है 310 में। नेक्स्ट बात करें 311 की तो 311 में है डिसमिसल, रिमूवल एंड द रिडक्शन ऑफ द रैंक ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन द सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट के अंडर जो पर्सन सर्विस कर रहा होगा उसके जो उसकी जो रैंक होगी उसका डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन किया जा सकता है, इसका प्रोविजन किया गया है आर्टिकल 311 में। आर्टिकल 312, आर्टिकल 311 में, आर्टिकल 312 में बताया गया है ऑल इंडिया सर्विसेज, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है वो बताया गया है आर्टिकल 312 में। 312 ए में है पावर्स ऑफ अ पार्लियामेंट टू वेरी और रिवोक कंडीशंस ऑफ अ सर्विस ऑफ ऑफिसर्स
ऑफ सर्टेन सर्विसेज, ये बताया गया है आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 313 में है आपका ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ट्रांजिशनल प्रोविजंस बताए गए हैं आर्टिकल 313 में। 314 जो आर्टिकल है उसको रिपेल कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका चैप्टर टू। चैप्टर टू है पब्लिक सर्विसेज कमीशन, जो पीएससीज है उनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 315 से। 315 में सबसे पहले है पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द फॉर द स्टेट्स। ये 315 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन का जो गठन किया जाता है वो किया जाता है आर्टिकल 315 के तहत स्टेट और यूनियन के लिए। 316 में है अपॉइंटमेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, जिसके जो मेंबर्स होते हैं पीएससी के पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनकी अपॉइंटमेंट और उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो बताया जाता है आर्टिकल 316 के तहत। तो 317 की बात करें तो उसमें है रिमूवल एंड द सस्पेंशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स है उनको रिमूवल और सस्पेंशन के लिए, ये आर्टिकल 317 के तहत उनका रिमूवल और सस्पेंशन किया जाता है मेंबर जो पब्लिक सर्विस कमीशन के है। 318 आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 318 में है पावर्स टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशंस, ये बताया गया है आर्टिकल 318 में। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 319 की। आर्टिकल 319 की बात करें तो इसमें सबसे पहला है प्रोहिबिशन एज टू होल्डिंग ऑफ ऑफिसेज बाय मेंबर्स ऑफ कमीशंस ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर्स, ये आपका 319 में बताया गया है। 320 में है फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो फंक्शंस है वो बताए गए हैं आर्टिकल 320 में। 321 में है पावर्स टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपके 321 में बताए गए हैं। 322 में है एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एक्सपेंसेस है, जो व्यय है, वो आपका बताया गया है आर्टिकल 322 में। नेक्स्ट 323 है, इसमें है रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आपकी 323 में बताई गई है। ये है 14A, पार्ट 14A जो है इसमें आता है आपका ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स में 323A में है सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, और 323B में है ट्रिब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर्स के लिए, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो है 323B में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 15, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम टाइम न्यूज में चला रहता है और इसके जो इसके एग्जाम्स में आने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो इलेक्शंस है वो चले ही रहते हैं किसी न किसी स्टेट्स में। तो इलेक्शंस जो है, इलेक्शंस आपका पार्ट 15 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। 324 की बात करें तो आर्टिकल 324 में है सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड ऑफ इलेक्शन कमीशन। जो सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शंस और कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस है टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन, एक इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाएगा जिस जो कि देख रेख करेगा, कंट्रोल करेगा, डायरेक्शन करेगा और सुपरिंटेंडेंस करेगा जो भी इलेक्शंस होंगे किसी भी स्टेट्स में। 325 में है नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट और सेक्स। रिलीजन रेस कास्ट और सेक्स के आधार पर किसी भी कैंडिडेट को इनएलिजिबल ठहराया नहीं जाएगा, ये बताया गया है आर्टिकल 325 में इलेक्शन कमीशन के लिए। 326 की बात करें तो इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ द एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज के बेस पर होंगे आपके लेजिस्लेटिव असेंबली और हाउस ऑफ द पीपल के जो इलेक्शन है वो इस पर होंगे, ये बताया गया है आर्टिकल 326 में। आर्टिकल 327 की बात करें तो पावर ऑफ अ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू लेजिस्लेचर्स, जो पार्लियामेंट की पावर्स बताई गई है द्वारा वो प्रोविजन कर सकती है लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस होते हैं उनके लिए, ये बताया गया है आर्टिकल 327 में। आर्टिकल 328 की बात करें तो पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर, ये आपका 328 में है। 329 में है बार ऑफ इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन इलेक्ट
इलेक्टोरल मैटर्स, इलेक्टोरल मैटर में जो है कोर्ट को बार किया गया है, इसमें ये आपका आर्टिकल 329 में बताया गया है। नेक्स्ट है पार्ट 16। पार्ट जो 16 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सर्टेन जो स्पेशल प्रोविजंस है रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, कुछ क्लासेस को जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं वो बताया गया है। आर्टिकल 330 से शुरू है ये बताया गया है पार्ट 16 में। सबसे पहला आर्टिकल 330 की बात करें तो इसमें है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल में जो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन है सीट्स की वो बताई गई है आर्टिकल 330 में। आर्टिकल 331 में बताया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल। एंग्लो इंडियन जो कमेटी है इनकी रिप्रेजेंटेशन बताई गई है हाउस ऑफ द पीपल में। 332 में बताया गया है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। लेजिस्लेटिव असेंबली में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन है सीट्स की। 333 की बात करें तो 333 में है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अगला बात करें 334 की, 334 में है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीज आफ्टर 60 ईयर्स। आफ्टर 60 ईयर्स के बाद जो रिजर्वेशन का प्रोसेस है वो बताया गया है आर्टिकल 334 में। 335 की बात करें तो क्लेम ऑफ एससी एंड एसटी टू सर्विस एंड पोस्ट, सर्विस और पोस्ट के लिए जो एससी और एसटी क्लेम कर सकते हैं वो आपका आर्टिकल 335 के तहत, इसमें वो क्लेम कर सकते हैं आर्टिकल 335 के तहत। आर्टिकल 360 बात कर थ्री आर्टिकल 336 की बात करें तो स्पेशल प्रोविजंस फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन सर्टेन सर्विसेज, कुछ सर्विसेज के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं एंग्लो इंडियन के लिए आर्टिकल 336 के तहत। 337 की बात करें तो इसमें स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशनल ग्रांट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए कुछ प्रोविजंस 337 के तहत भी किए गए हैं। अगर बात करें 338 की, 338 में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए एक नेशनल कमीशन का गठन किया गया है 338 में। 338A की बात करें तो इसमें है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी NCST एक जो ST के लिए नेशनल कमीशन का गठन किया गया है ये किया गया है 338A में। अगर बात करें 339 की तो इसमें है कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड एरिया के वेलफेयर के लिए जो कंट्रोल है यूनियन का वो बताया गया है आपका 339 में। नेक्स्ट बात करते हैं 340 की, 340 में है अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस की जो कंडीशंस है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया है सेंटर के द्वारा 340 आर्टिकल के तहत। अगर 341 की बात करें तो 341 में बताया गया है शेड्यूल कास्ट के बारे में, शेड्यूल कास्ट जो है उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 341 में, और आर्टिकल 342 में बताया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। सो गाइज आज की वीडियो ये थी, इसमें हमने आर्टिकल 342 तक डिस्कस कर दिया है, और पिछली जो भी वीडियोज है वो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अब हम इसके बाद अंतिम वीडियो में हम लास्ट के जो पार्ट्स बचे हुए हैं, आज हमने 16 पार्ट तक किया, आज अगले वीडियो में हम पार्ट 17 से लेकर पार्ट 22 तक टोटल डिस्कस कर देंगे, और हमारा जो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। अगर आपको कोई वीडियो में कुछ पसंद नहीं आ रहा है, कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, या आप अपनी पसंद का कंटेंट भी दे सकते हैं तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके लाइक से ज़्यादा आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, एंड अगर आप कमेंट्स करेंगे तो उससे मेरा हौसला बढ़ेगा। सो गाइज प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप अपने कीमती सुझावों में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें, चैनल को जो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करें।